अमृत कार्यक्रम के तहत जनपद गोरखपुर में निर्माणाधीन सीवरेज योजना का रविवार को नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को योजना के संबंध में बताते हुए निर्माण कार्यों की जानकारी दी और कहा कि योजना का कार्य तेजी से चल रहा है और उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मालूम हो कि अमृत कार्यक्रम के तहत 5 वार्डों महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 1, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज झरना टोला और गिरधरगंज में 172 किलोमीटर सिविल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए शासन से 235 करोड़ स्वीकृत हुआ है। इस कार्य की शुरुआत अक्टूबर 2018 में हुई। अब तक 131 किलोमीटर सिविल लाइन का कार्य कराया जा चुका है। इसके पूरा होने पर करीब 14,000 आवासों को कनेक्शन दिया जा सकेगा। गौरतलब है कि अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत गोरखपुर सिवरेज योजना के दक्षिणी भाग का कार्य 82% पूरा हो चुका है, जिसे दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा तथा उत्तरी जोन का कार्य जून 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य है। जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश जल निगम गोरखपुर के परियोजना निदेशक रतन सेन सिंह ने बताया। ये सर हम लोग इसको बहुत कहते हैं, इसके क्षेत्र में अभी जितने यहाँ पे खड़े हैं सर, जो है उधर नीचे जाएं, उधर दस हो जाए। अरे आप उधर से जाओ ना, उधर बंदूक की तरफ से जाएंगे। रतन सेन सिंह, परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश जल निगम गोरखपुर। देखिए, अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत गोरखपुर नगर में सीवर लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। गोरखपुर सीवरेज जोन A1 उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग,
कुल मिलाकर के 172 किलोमीटर सीवर लाइन जो है उसका काम चल रहा है, जिसके काम क्रमशः जो है हम जून 2021 में और दिसंबर 2021 में पूरा कर रहे हैं। उसी का निरीक्षण करने के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है। तो प्रगति की क्या है सर? प्रगति जो है हमने बताया, उत्तरी भाग का जो जोन A1 का उत्तरी भाग है ये 82% है, ये हम जून 2021 में पूरा कर रहे हैं। और जोन A1 दक्षिणी भाग जो है वो 70% प्रोग्रेस हो गया है, वो दिसंबर 2021 में हम उसको पूरा कर रहे हैं।